हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। और अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बने हुए हैं हर एक टॉपिक पे और लिंक दिए गए हैं। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो ऐड आते हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसे स्किप मत किया करिए। तो आज हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करना था वो है मुगल कालीन साहित्य और साहित्यकार पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। तो अकबर ने निर्मित कराया था पंच महल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा बदायूनी, तबकाते अकबरी, ये सही सुमेलित नहीं है, और बाबर तुजके बाबरी, ये करेक्ट है। गुलबदन बेगम हुमायूनामा, ये भी करेक्ट है। जहांगीरी तुजके जहांगीरी, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट जो हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ दिया गया है हसन निजामी, तो हसन निजामी को हम कर देंगे ताजुर मासीर से, यहाँ पे ऑप्शन 4 से। फिर ख्वादा मीर, ख्वादा मीर हो जाएगा नंबर 3 से, हुमायूं नामा से। फिर मोहम्मद काजिम, मोहम्मद काजिम को करेंगे आलमगीर नामा यानी 1 नंबर से। और भीम सेन नुस्खा ए दिलखुशा, सेकंड नंबर से। फिर से देख लेते हैं, हसन निजामी ताजुल मासीर से, ख्वादा मीर ये हो जाएगा हुमायूं नामा से, मोहम्मद काजिम, मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा से, और भीम सेन नुस्खाए दिलखुशा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित हो रहा है वो हो जाएगा मासिर ए आलमगिरी सकी मुस्तैद खां, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी सभी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सही कूट का चयन करिए। तो गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम हो जाएगा फतुहत ए आलमगिरी से, यानी एक मिनट, इसमें ये जो है यहाँ पे गुलबदन बेगम करेंगे हुमायूं नामा से, मैंने इनकरेक्ट बोल दिया था, यहाँ पे करेंगे हुमायूं नामा से। फिर ईश्वर दास नागर, ईश्वर दास नागर हो जाएंगे यहाँ पर करेंगे नंबर 4 से, फतुहत ए आलमगिरी से। याहिया बिन अहमद, तो ये हो जाएंगे तारीख़ मुबारक शाही से, नंबर 1 से। अब्बास खान शेरवानी, ये हो जाएंगे नंबर 2 से, तारीख़ शेरशाही। फिर से देख लेते हैं, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, ईश्वर दास नागर फतुहत ए आलमगिरी, याहिया बिन अहमद, तारीख़ मुबारक शाही अब्बास खान से सरवानी, तारीख़ शेरशाही से। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है, इनकरेक्ट है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मोहम्मद आरिफ तारीख, मोहम्मद आरिफ तारीख़ अकबरशाही से, इनायत उल्ला तक मील ए अकबरनामा से, मोहम्मद सॉरी अब्दुल कादिर बदायूनी मुंतखाब उल तवारिक से हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुजके बाबरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। और ये कथन दिए गए हैं और नीचे कहा गया है कि असत्य कथन को निम्न कूटों में पता करें। जो असत्य है, इनकरेक्ट है, उन्हीं को हमें चयन करना है। तो जो इनकरेक्ट होगा वो हो जाएगा 2 और 3। देख लेते हैं, इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद श्री मती
A.M. वेब्रिज ने किया था, और नंबर 3 है इसका प्रथम फ्रांसीसी अनुवाद लीड ए सरकिन ने किया था, और जो करेक्ट है वो होगा इसका प्रथम फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था तुजुके बाबरी का। तो 2 और 3 हमारा इनकरेक्ट हो रहा है, बाकी सभी करेक्ट हैं, यानी 1 नंबर हमारा करेक्ट है। तो हम आंसर जो बनेगा इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। शाहजहां नामा के लेखक ऑथर हैं, तो इसके जो ऑथर हैं लेखक हैं वो हो जाएंगे इनायत खां, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सुमेलित करो पुस्तक के नाम को उनके लेखक से और निम्न के कूट में से सही उत्तर का चयन करें। पुस्तक और लेखक दिए गए हैं, तो सबसे पहला है आलमगीरनामा। आलमगीरनामा हो जाएगा यहाँ पर मुर्शिद मोहम्मद काजिम से। तबकाते अकबरी ये हो जाएगा नंबर 4 से निजामुद्दीन अहमद, और चहार चमन ये हो जाएगा 3rd से चंद्र भान से। इकबाल नामा जहांगीरी ये हो जाएगा नंबर 1 से मुअतमद खां। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, आलमगीरी नामा मुर्शीद मोहम्मद काजिम से, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद, चहार चमन चंद्रभान ब्रांड से, और इकबाल नामा जहांगीरी मुअतमद खां से। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पे कथन दिए गए हैं और इनमें विचार करके जो उपयुक्त सही है करेक्ट जो है उन्हीं की पहचान हमें करनी है। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले दे रहा है अकबरनामा और बादशाहनामा महत्वपूर्ण सचित्र मुगल शासकीय इतिहास है, ये करेक्ट है। नंबर 2 है जबकि अकबरनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था, बादशाहनामा अबुल फजल द्वारा लिखित था, ये गलत होगा। और अकबरनामा 3 पुस्तकों में बटा हुआ है जिसमें से तीसरी पुस्तक आईने अकबरी है, ये करेक्ट है। तो हमारा आंसर बनेगा 1 और 3 सही है। बादशाहनामा का लेखक कौन है, तो ये लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुदित किया गया, तो फारसी भाषा में अनुदित किया गया शाहजहां के काल में, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वान की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है, तो सर ए अकबर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सर ए अकबर के लेखक थे, तो ये लेखक थे दारा शिकोह, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दारा शिकोह ने किस शीर्ष के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, तो ये अनुवाद हुआ था सिर ए अकबर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिर असरार फारसी अनुवाद है, सिर असरार, तो उपनिषद का, ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन काशी के विद्वान की सहायता में दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है, तो सिरे अकबर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया, तो 7 वर्षों में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आइन ए अकबरी कहा जाता है, तो तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मुगल कालीन कृषि की अवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होगा वो हो जाएगा आईने अकबरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अकबरनामा किसने लिखा, तो अकबरनामा लिखने वाले थे अबुल फजल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों ने रज्मनामा शीर्ष दिया था,
तो ये था महाभारत। महाभारत को रजनमनामा भी कहा जाता है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो ये शीर्षक था रजनमनामा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और यहाँ थोड़ा सा व्याख्या भी दिया हुआ है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। फारसी भाषा में संस्कृत की पुस्तकों में से महाभारत का अनुवाद नकीब खां बदायूनी एवं मोहम्मद शेरी द्वारा अबुल फजल फैजी के नेतृत्व में किया गया। इसका फारसी नाम रजमनामा रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, रजमनामा जिसका संकलन फारसी भाषा के अनेक विद्वानों ने किया, किसका अनुवाद था? तो ये था महाभारत। वापस वही रिपीट हो रहा है। अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ फैजी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो फारसी में जहांगीर ने लिखी थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है रजनमनामा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमारी ने माखी नाम से दीवान कविता संग्रह तैयार किया? तो औरंगजेब की पुत्री जिबुनिसा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो इसकी रचना करने वाले थे गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हो जाएंगी, इनकी बहन थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लीलावती का फारसी अनुवाद करने वाला था? तो फैजी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। शंकराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये था फैजी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा? वापस वही रिपीट हो रहे हैं। तो गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी। तो यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। और इस जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके कुल 84 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज 85 वीडियो है। अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्रैक्टिस सेट बी के नाम से वहाँ प्लेलिस्ट बनी है और लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। एक बार मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देती हूँ। ये स्टार्टिंग हमने प्राचीन इतिहास से किया था, अभी हम मिडिल हिस्ट्री में चल रहे हैं और जल्द ही हम मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक में आ जाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो इस प्लेलिस्ट के माध्यम से इनका लाभ उठा सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, कुल 84 वीडियोस हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर नेट की आप तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं आपके लिए। इनके क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व करें। इसके अलावा नेट के लोग अगर उनके पास इस को देखने के बाद भी अगर समय बचता है तो आप प्रैक्टिस सेट भी देखिए, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको आने वाले पेपर्स में मिल जाएंगे। इसके बाद मैं आपको क्रिएट प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ। टीचिंग रिक्रूटमेंट का है, फिर ओल्ड पेपर्स हैं, नेट के पेपर्स आपको मिल जाएंगे डिवाइड करके हिस्ट्री के। फिर ये रहा प्रैक्टिस सेट बी, टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्क्रिप्टिव स्टडी हिस्ट्री का पेपर वन। आज मैंने कमेंट में देखा था, जो नाम नहीं याद आ रहा है, पेपर वन आप मांग रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे ओल्ड पेपर पेपर वन मैंने अपलोड किए हैं। टाइम टू टाइम मैं उसे प्रोवाइड करती रहती हूँ। और एनसीईआरटी की बुक
फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, ये रहा प्रैक्टिस सेट ए जिसकी बात मैं अभी कर रही थी। फिर LGDC एग्ज़ाम का आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है, तो यहाँ से आप अपने पसंद का वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए केवल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। तो इस तरह का वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने टाइम थोड़ा चेंज किया है, अभी हम दोपहर में ही इसकी स्टडी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।